अभी हम आए हुए पंचम बाजार, सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा बाजार है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मॉस्क वगैरह हैं, एक ये है और ये एंट्री है, घंटाघर ऊपर आपको दिख रहा होगा, और एक इधर है मॉस्क, एक इधर है कोई मॉस्क, और ये कोई मीनार है मॉस्क की। और इसी के फ्रंट में आपको मिलेगा सबसे बड़ा सेंट्रल एशिया का एंट्री गेट, ये देख सकते हो एंट्री गेट है बाज़ार का। तो एशिया का सबसे बड़ा तो नहीं, लेकिन सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार इसको बताया जा रहा है। तो चल के देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है और कितना बड़ा है और कितनी भीड़ है इसमें, क्या क्या मिलता है देखते हैं। सो पहले तो मैं दिखा दूँ बाहर थोड़े बहुत जो है फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह लोग बेच रहे हैं, देख सकते हो। और इससे लग रहा है कि पुराना स्ट्रक्चर जो है मार्केट का जो होता था उस टाइप का है। और ये है एंट्री गेट, बहुत बड़ा और बहुत ओल्ड है ये, और पुराना ही बाजार है ये। दस सोमनी का दिस क्या कहते हैं इसे, बैरी ले रहे हैं मैडम। तो दस सोमनी में ओनली दिस, दस सोमनी में कितना आता है? ये दस सोमनी पन्नी भर रही है पूरा, तौल के देंगे मुझे लग रहा है आधी किलो होगा ये। केले पे पता नहीं क्यों 10 तरह के स्टिकर लगे हुए इनके। सो ये एंट्री गेट, और पास से एक बार दिखा दिया, रोटियां इस तरफ, ये पूरा चीनी का आइटम है, ये भी चीनी है, मिश्री। सब मिश्री है इनकी अलग अलग टाइप की, ये भी चीनी की है, गोश्त लटके हुए सब गोश्त है ये। ये इनके बिस्किट्स हैं जो होम मेड हैं, घर के बनाए हुए, सब घर के बनाए हुए बिस्किट हैं ये। मूंगफली इनकी भी काफ़ी बड़ी है, ये ड्राई फ्रूट्स हैं इनके, और ये भी खुद के बनाए हुए हैं इनके, ड्राई फ्रूट्स के अंदर कुछ मिलाया हुआ है। ये ड्राई फ्रूट्स हैं, सजा के बहुत रखते हैं भाई ये इनके यहाँ का सबसे ओल्डेस्ट, ये हमारे नान के जैसे ही वाला सबसे ओल्डेस्ट स्टाइल का इनका जो रोटी होता है ना, ये ट्रेडिशनल है, गर्मा गर्म है ये तो। टोकरी में सजा के बेच रहे हैं ताकि किसी को वो चाहिए हो, फ्रूट्स पूरा सेट चाहिए तो सेट भी मिलेगा। ये ड्राइड है ये, बिल्कुल सुखाए हुए जो होते हैं ये देख सकते हो। ओ भाई ये तो बहुत छोटे छोटे हैं। इंडिया यस, ये इनकी किशमिश है, ये खजूर है, ये भी किशमिश है, ये बहुत कड़वा होता है, ये मिठाइयाँ इनकी इससे बनी हुई। ये मार्केट का अंदर का स्ट्रक्चर है, काफ़ी बड़ी मार्केट है ये। यहाँ कलर भी कर देते हैं इनको ड्राई फ्रूट्स को, और ये इनका मेरे ख्याल से चॉकलेट है। प्याज देखो कितने बड़े हैं, और आलू लाल वाले आलू हैं भाई। ये मसाले इनके, जीरा हल्दी धनिया जो भी है, मिर्च लहसुन, चावल कुछ अलग टाइप के हैं, चावल थोड़े मोटे मोटे हैं, हमारे चावल थोड़े पतले होते हैं, इनके दाल की तरह हैं, ये चावल थोड़े पतले और मोटे लंबे हैं। ये ब्रेड है देख सकते हो, और ये भी ब्रेड है, बड़े बड़े ब्रेड है, खुद से काट के घर में खाने होते हैं। तो ये गाजर को ऐसे काट के बेचते हैं, और ये मिर्च के अचार हैं, पता नहीं क्या है, मिर्च काट के ऐसे रखे हुए हैं, और ये पता नहीं क्या है भाई, ये तो कुछ जीरा या उस टाइप का लग रहा है, और ये बॉईल करे हुए हैं या उबाले हुए हैं,
या रात को जो भिगो के रख देते हैं वो है मेरे ख्याल से। सैंपल के लिए रखा है या बेचने के लिए? गाजर को देख रहे हो काट काट के रखा हुआ है। ये कुछ बना के बेचती है लग रहा है, या तो फिर वो बनाने वाला भी है। देखते हैं, पूछते हैं अभी। यहाँ से स्टार्ट होता है गोश्त का डिपार्टमेंट आई थिंक। ये गोश्त का यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ये पास्ता में मिलाया हुआ है, ये नूडल्स, सैलेड, ये भी सैलेड, ये भी सैलेड, ये भी सैलेड, ये गाजर का सैलेड, ये भी सैलेड, ये आई थिंक ये बैगन। बहुत खूबसूरत खूबसूरत लग रहे हैं देखने में। कलर देखो इनके भाई आप। ये सब खाने वाले आइटम हैं, सैलेड हैं। तो रेस्टोरेंट में हम खाना खाने आए हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ पे। ये सब खाने हैं यहाँ पे। और अपना उठाओ टेबल पे और यहाँ ऐसे टेबल लो और आगे बढ़ते जाओ और लेते जाओ जो जो आपको लेना है, बोलते जाओ। चावल वगैरह जो भी है यहाँ पे सब है। ये देखो चटनी ले लो, अंडे ले लो।